बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पोस्ट में हम बात करेंगे कि किन सूरतों या किन हालात में तारीख बताइश स्टूडेंट अपनी दुरुस्त नहीं करवा सकता, और ये मसला हम डिस्कस करेंगे लाहौर बोर्ड के हवाले से। तो हमारा टॉपिक है किन सूरतों में तारीख बताइश दुरुस्त नहीं की जा सकती या नहीं हो सकती। उसमें सबसे पहला इशू जो निकलता है वो ये है कि अगर तारीख पैदाइश कम करने से 14 साल से कम हो जाए। ये इशू चल रहा है कि अगर एक स्टूडेंट दुरुस्त की तारीख पैदाइश अप्लाई करता है और उसकी तारीख पैदाइश ठीक करने के जो सबूत हैं वो दुरुस्त साबित होते हैं, मगर मौजूदा तारीख पैदाइश दुरुस्त करने से जो उसकी उम्र बनती है वो मैट्रिक पास करने के वक़्त 14 साल से कम हो जाती है, तो इस हालत में कमेटी या लाहौर बोर्ड उसकी तारीख पैदाइश दुरुस्त नहीं कर सकेगा। नंबर दो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का रिकॉर्ड कटिंग की हालत में ना हो। बोर्ड की करेक्शन डेट ऑफ बर्थ कमेटी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का रिकॉर्ड मांगती है वो तारीख पैदाइश दुरुस्त की तारीख पैदाइश अप्लाई करने से पहले ये बात कंफर्म हो जानी चाहिए कि जो असल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पैदाइश का रजिस्टर है उसमें आपकी जो तारीख पैदाइश दर्ज है उस रिकॉर्ड में कटिंग कहीं मौजूद तो नहीं है, ये बात पहले कंफर्म कर लेनी चाहिए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का रिकॉर्ड लेट अंदराज हो जी, ये भी एक चीज़ होती है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का आप असल रजिस्टर देख लें, उसमें जो आपका सबूत के तौर पे डेट तारीख पैदाइश लिखी हुई है जो आपकी, उसका रिकॉर्ड लेट अंदराज में ना हो, यानी आपके पैदाइश आपकी पैदाइश के वक़्त वो अंदराज नहीं करवाएगा और बाद में ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ जो कि लेट अंदराज में आ जाता है। लेट अंदराज की सूरत में भी तारीख पैदाइश दुरुस्त नहीं की जाती। उसके बाद है जी, सबूत के तौर पर कोई भी रिकॉर्ड मौजूद ना हो। स्टूडेंट को दुरुस्त की तारीख पैदाइश अप्लाई करने के बाद मौके दिए जाते हैं कि वो अपनी दुरुस्त की तारीख पैदाइश के सबूत में कोई रिकॉर्ड पेश करे। तो जो बोर्ड कमेटी रिकॉर्ड मांगती है अगर स्टूडेंट वो रिकॉर्ड देने से कासर हो तो भी स्टूडेंट की तारीख पैदाइश दुरुस्त नहीं हो सकती। उसके बाद है, एक साल तक स्टूडेंट रिकॉर्ड पेश ना कर सके, यानी स्टूडेंट जब अपना करेक्शन डेट ऑफ बर्थ का केस अप्लाई करता है तो केस अप्लाई करने के बाद एक साल तक वो स्टूडेंट्स को मौके देते रहते हैं, ये मौके लिमिटेड होते हैं, गालबन तीन होते हैं। तो एक साल तक अगर स्टूडेंट अपनी सफाई में कोई रिकॉर्ड पेश ना कर सके तो भी उसका केस रिजेक्ट हो सकता है और दुरुस्त की तारीख पैदाइश उसकी नहीं हो सकती। अगर दुरुस्तगी होने की सूरत में पैदाइश का वक्फ़ा गैर फितरी हो जाए, अमूमी बात है कि दो बहनों या दो भाइयों के आपस में एक के बाद दूसरे बच्चे के दरमियान जो पैदाइश का वक्फ़ा होता है वो तकरीबन एक साल का होता है, तो अगर दुरुस्तगी होने की सूरत में पैदाइश का वक्फ़ा गैर फितरी हो जाए, यानी 5 माह हो जाए, 4 माह हो जाए, 3 माह हो जाए, तो भी इस हालत में दुरुस्तगी तारीख पैदाइश अप्लाई नहीं की जा सकती। अगर अप्लाई की जाए तो केस इस मामले में रिजेक्ट हो जाता है। गैर मुल्की होने की सूरत में सर्टिफिकेट काबिले कबूल ना हो। गैर मुल्की जो अपना ये पैदाइश जिनकी बाहर की है और वो पाकिस्तान में आकर पढ़ते हैं, मैटर करते हैं, तो अगर उनका सर्टिफिकेट जो गैर मुल्की होने की तस्दीक करता है और उसमें उनकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, अगर वो बोर्ड कमेटी रिजेक्ट कर देती है, उनका सर्टिफिकेट कबूल नहीं होता या उस पर कोई शक किया जाता है, इस तरह होता है कि वो कहते हैं कि ये जाली है या 2 नंबर बनाया गया है, तो उस सूरत में भी दुरुस्त की तारीख पैदाइश रोक दी जाती है और केस पूरा नहीं होता। दरशुदा तारीख पैदाइश से 5 साल या इससे ज़ायद का फ़र्क आ जाए। अगर स्टूडेंट के मैट्रिक के सर्टिफिकेट में 5 साल या जो वो दुरुस्त की तारीख पैदाइश करना चाहता है
5 साल या इससे ज़ायद का फ़र्क आ जाए तो भी बोर्ड करेक्शन डेट ऑफ बर्थ नहीं करता, अगर करता भी है तो फिर मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ करता है। मेडिकल से उसका अंदाज़ा हो जाता है कि ये 5 साल के पहले बच्चे से 5 साल के बाद की पैदाइश है। अगर स्टूडेंट ने मैट्रिक किसी रेगुलर इदारे से किया हो तो रेगुलर होने की सूरत में मुतलका इदारा की फ़ारम तस्दीक ना हो तो भी करेक्शन डेट ऑफ बर्थ नहीं करते और केस जो है वो अल्तवा का शिकार हो जाता है। यानी अगर मैट्रिक में स्टूडेंट किसी अलहाक शुदा इदारे या गवर्नमेंट इदारे में पढ़ता रहा हो और उसी इदारे से वो मैट्रिक की सनद लेकर फारग हो, उसी इदारे से वो मैट्रिक का इम्तहान पास करे, तो वो एक रेगुलर कैंडिडेट कहलाएगा। रेगुलर होने की सूरत में भी मुतलका इदारे की तस्दीक ना हो तो बोर्ड कमेटी उसका केस रिजेक्ट कर सकती है। असल डॉक्यूमेंट्स मौजूद ना हों, करेक्शन डेट ऑफ बर्थ ना होने की एक ये वजह भी होती है कि अगर असल डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट के पास मौजूद ना हों और वो बोर्ड कमेटी में अपना करेक्शन कमेटी में अपना केस अप्लाई करे तो असल डॉक्यूमेंट ना होने की सूरत में भी उसका केस अल्तवा का शिकार हो जाता है। चाहे वो केस फाइनल हो भी जाए लेकिन असल डॉक्यूमेंट्स जब तक बोर्ड को मुहैया ना किए जाएँ तब वो उसकी पैदाइश का केस पूरा नहीं करते। अगर तारीख पैदाइश पहले से एक दफ़ा दुरुस्त करवा चुके हों, स्टूडेंट अगर एक दफ़ा दुरुस्त की तारीख पैदाइश अप्लाई करता है और वो पूरे जेन्युइन तरीके से पूरे बोर्ड के प्रोसेस को फॉलो करता है, कमेटी उसकी दुरुस्त की तारीख पैदाइश की मंजूरी देकर उसका एक दफ़ा मैट्रिक सर्टिफिकेट पर दुरुस्त की तारीख पैदाइश कर देते हैं तो उसके बाद भी दोबारा दुरुस्त की तारीख पैदाइश वो अप्लाई करवा के दुरुस्त नहीं करवा सकता। दुरुस्त की तारीख पैदाइश सिर्फ एक दफ़ा ही हो सकती है, दोबारा ये केस ओपन नहीं हो सकता। हम लाहौर बोर्ड के दुरुस्त की तारीख पैदाइश केसेस के बारे में बात कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है कि किन सूरतों में दुरुस्त की तारीख पैदाइश अल्तवा का शिकार होती है या नहीं हो सकती। तो इसमें अगला पॉइंट है कि स्टूडेंट्स के वालदैन का तल्लुक अगर अफवाज से हो और उस सूरत में अगर स्टूडेंट के का रिकार्ड उनके मुतलका इदारे का ना पेश किया जाए तो भी दुरुस्त की तारीख पैदाइश नहीं करते। अगर वालदैन का तल्लुक फौज से हो तो लाजमी बात है कि स्टूडेंट की पैदाइश के वक्त उनके इदारे में उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसका सारा रिकार्ड जाता है। वो इस सूरत में बोर्ड कमेटी जो है वो अफवाज के इदारे का इदारे का रिकॉर्ड मांगती है और उस रिकॉर्ड के सर पर उसका दुरुस्त की तारीख पैदाइश का केस होता है। फीस कम जमा करवाई हो, अगर शेड्यूल के मुताबिक फीस भी कम जमा करवाई जाए तो केस अल्तवा का शिकार हो सकता है और प्रोसेस नहीं करता। इसके अलावा कोई भी सूरत हाल हालात के पेश नज़र आ सकती है। मैंने जो अपनी सोच के मुताबिक देखी हैं इनमें से कोई एक वजह ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आप दुरुस्त की तारीख पैदाइश का केस अपना फॉलोअप नहीं कर सकते, उसको फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो इन तमाम चीज़ों को पहले एक दफ़ा पढ़ लें जैसे कि ये आप इन तमाम शरायत पे पूरा उतरते हैं या इनके मुताबिक अपना रिकॉर्ड पेश करने की सलाहियत रखते हैं या आपके पास मौजूद है तो आपकी दुरुस्त की तारीख पैदाइश हो सकती है, वरना केस भी पेंडिंग हो जाता है और फीस का इशू अलग बन जाता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है कि आप देख सकते हैं कि दुरुस्त की तारीख पैदाइश की फ़ीस कैसे जमा करवाई जा सकती है और फ़ीस की लिमिट्स किस तरह की हैं और कितने सालों बाद कितनी फ़ीस स्टूडेंट को पड़ती है, ये डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दे सकते हैं।